In association with Peach Prince Real Cream and Crispy Crunch de aapko Fun ka daily dose. Imandari ki baat badhati hai saath. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम. बोलता पाकिस्तान में खुश आमदीद, और मैं हूं मुश्ताक मिनहास. मैं नुसरत जावेद. हमारा नंबर है जी 0512805031. मुश्ताक मिनहास साहब, अब तो तकरीबन रोजमर्रा हो गया है. आज भी पिशावर में अमन लश्कर का घर, बड़ा बेर का इलाका, लोग आए, 9 अफराद को गोलियों से भून कर दस्ती बमों से हमले करके रास्ता बनाते हुए, और वो फरार हो गए, चले गए. अब सवाल ये पैदा होता है कि ठीक है जी, मुज़ाकरात तो हो रहे हैं, लेकिन पेशावर नाम नहाद एक बंदोबस्ती इलाका है, खैबर पख्तूनख्वा का सूबाई दारुल हुकूमत है, पाकिस्तान के कदीम तरीन शहर दो हैं, एक मुल्तान है, एक पेशावर है. अब मुज़ाकरात कोई सूरत अख्तियार करें या न करें, बहरहाल एक मकामी इंतज़ामिया भी होती है. सैनमाज पर अटैक हुए तो उन्होंने कल फरमा दिया कि जी उनके चूंकि सीसीटीवी काम नहीं कर रहे थे, फला नहीं कर रहा था. तो जैसे मैं कल भी अर्ज कर रहा था कि भाई साहब, आप सैनमाज बंद कर दें और कहें कि उस वक्त तक जो है हम नहीं ओपन करेंगे जब तक एसओपीज जो हमने दिए हुए उसके मुताबिक एक सर्टिफिकेट मिले इंतजामिया से और खोले. ठीक है साहब. इसी तरह ये एक खास कुछ एरियाज हैं जो खैबर एजेंसी के साथ वो एडजेसेंट हैं, लोग आते हैं वहां से वापस चले जाते हैं. अब इतने अरसे से गुड गवर्नेंस, जिसको पिशौरी ये बहुत शौक से लाए थे, बड़े प्यार से लाए थे, क्या अब ये पूरा डाटा इकट्ठा करके ये नहीं मालूम कर सके कि जी कहां कहां से सिक्योरिटी गैप्स हैं, किस तरह पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए, और ताकि हयातावाद से अगवा बराए तावान और इस किस्म के वाकयात, रिटेलिएटरी अटैक्स न हो, इसमें क्या चीज रुकावट? इसमें तो कोई रुकावट नहीं है, ये तो ज़रा गवर्नमेंट को चाहिए वहां पे. लेकिन मैं एक और बात करना चाहता हूँ. देखें नुसर साहब, इस मुल्क में हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, पुलिस होगी, हमारी फौज होगी, हमारी एफसी होगी, फिल्म, इन्होंने बरारास्त लोगों को, मतलब कि अगर लॉ एंड ऑर्डर, मतलब इनको तनख्वाह दी जाती है इस बात की, इनको पैसे दिए जाते हैं कि आप, वसाइल दिए जाते हैं कि आपने लोगों की जान और माल का तहफ्फुज़ करना है. लेकिन हमने आउटसोर्स कुछ इलाके किए. आपने कहा कि हम ये मदरजा जैल इलाके हैं, इसमें हमारी रिट उस तरह से नहीं है, हमारे तो हम आपको कुछ हथियार दे देते हैं, कुछ थोड़ा बहुत किसी को खिदमत खातर कर लेते हैं, तो आप यहाँ पे फ्रंट लाइन, जैसे फ्रंट लाइन स्टेट जो है पाकिस्तान बना था, तो इस तरह हमने उनके खिलाफ कुछ इलाकों को फ्रंट लाइन एरियाज बनाया, और उसमें अमन लश्कर कायम की, अमन कमेटियां कायम की. अब इस मुल्क में नुसर साहब, ये काम भी एक आम पाकिस्तानी ने शुरू किया कि भाई अच्छा जी, अगर दिफा करना है मादरे वतन का, तो फिर मैंने बंदूक मुझे दो, मैं अपने घर के ऊपर चढ़ जाऊंगा और फिर मैं उसका दिफा करूंगा. लेकिन आपने फिर क्या किया कि कुछ दिनों तक तो आपने ये सारा काम किया, बाद में किसी जो है ना वो यानी दानिश्वर ने बताया होगा कि भाई ये काम तो ज्यादा अरसा चलने वाला नहीं, पता नहीं, हमने तो ये सोचा था कि ये कोई 8-10-20 दिन की ठेकरी पैर है कोई, चलो उसमें हम चला लेंगे, ये तो साला साल से चलोगे, तो इन लोगों के कैसे आप यानी ये सारी चीजें करेंगे. फिर रियासत ने आहिस्ता 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 उन लोगों को वहां पे, उनको उनके रहमो करम पे और अल्लाह पर छोड़ दिया कि आप जाने, ये जो पार तालिबान है वो जाने, या यहाँ पे जो इलाके जो जंगजू हैं वो जाने, और आप जाने, हमारा आपसे कोई ताल्लुक नहीं, हमने पीछे थाने की हदूदें मुतय्यन कर दी, उनको छोड़ दिया. अब इस सारी सूरत हाल में अगर कोई अपने लिए, अपने मादरे वतन के लिए, अपने इलाके के लिए, अपने सूबे के लिए, अपने मुल्क के लिए अगर कोई उठ के कहे कि अच्छा जी, अगर यहाँ पे रियासत को तंगी हो रही है और ये हमारे फौजी और हमारे सिपाही और ये लड़ने के काबिल नहीं रहे, तो चलो कोई बात नहीं, मेरा काम भी है, मैं बंदूक उठा लेता हूँ, फिर उसके बाद फिर आप कहते हैं जी अल बद्र अल शम्स हो जाता है कि फिर ना कोई पूछने वाला, ना कोई बताने वाला हालात. और ये सारी कहानी जो आज जो 9 अफराद शहीद किए गए, मारे गए वहां पे, ये आज उसी चीज की कड़ी है.
باقی سارے کے جی فلاں وہ ماشاءاللہ پشاور کے وہ سارے وہ کر رہے تھے جو پولیس افسر کے جی فلاں ایک بم جو ہوا تھا تو ہم نے یہ کیا بات ہوئی. وہ میں مانتا ہوں یہ ٹیکنالوجی اپنائی گئی لیکن یہ ٹیکنالوجی جو ہے یہ فرسودہ ہے. یہ سب سے پہلے ایک بہت مشہور انگریز برطانوی سامراج کا کارندہ تھا فورڈ سینڈمن. ٹھیک ہے نا صاحب, چلیں جی آپ نے وہ ماڈل لیا کہ آپ مقامی لوگوں فورڈ سینڈمن تو اس نے جو فورڈ بنایا تھا سینڈمن رابرٹ سینڈمن جس پہ فورڈ سینڈمن سوری رابرٹ سینڈمن نے یہ ماڈل دیا تھا کہ آپ ٹھیک ٹھیک ہے نا جی. لیکن آپ اس ماڈل کا پہلا حصہ تو کرتے ہیں نہیں, اس نے تو باقاعدہ لیویز بنائی نا وہاں پر, ان کو تو آج تک لیویز چل رہی ہے اس کا. وہ آپ نے بنا دی ہے نا, آپ نے وہ ماڈل فالو کر لیا. لیکن اس کا پھر دوسری بات بھی تھی نا, جب یہ ہوتا ہے تو مثال کے طور پر آپ اگر خیبر ایجنسی میں ایس مشتاق منہاس ٹریول کر کے جانا پڑ چاہیں تو آپ کو پولیٹیکل ایجنٹ کو رپورٹ کرنا پڑتا ہے, درخواست ایک قسم کی دے کر این او سی لینا پڑتا ہے. این او سی لینا ٹھیک ہے نا جی. اب جب آپ نے اگر لیویز بنائی ہیں, سینڈمنٹ ماڈل آپ نے اپلائی کیا ہے, تو سر یہ ریورس آرڈر میں بھی ہوتا ہے کہ بھائی ادھر سے کوئی آئے, ریورس آرڈر میں یہ ہوتا ہے کہ اگر وہاں سے کوئی آ کے بندوبستی علاقے میں رہے گا, سیٹلڈ ایریا میں رہے گا, تو وہ بھی متعلقہ تھانے کو رپورٹ پہلے وہاں سے اطلاع دی جائے گی کہ دس مین از ناؤ مائگریٹنگ. ٹھیک ہے نا. اب یہ اگر آپ اس کے صرف ایک پہلو کو لے کر چلیں گے, اب ہوا کیا ہوگا کہ بقول تمہارے جب ان کو یوز کر کے تو پھر خیال آیا کسی دانشور کو کہ نہیں یار یہ ماڈل نہیں, بس ٹھیک ہے تھینک یو ویری مچ. ان لوگوں نے کیا کیا ہوگا وہاں سے آ کے اس طرح کے لوگ جو ہے وہ پشاور میں بس گئے ہیں, پشاور میں بس گئے. اور دوسری بات آپ کہہ رہے ہیں لیکن وہ جو ماڈل کا انتقام کا جو ہے سلسلہ وہ جاری ہے. ریورس آرڈر میں اگر سینڈمن اس پورے ماڈل کو دیکھا جائے تو اس میں آ کے ٹرائبل ایریا سے آ کے بندہ پشاور میں یا تھانے میں آ کے بتاتا تھا. اب یہ صورتحال ہوگی, وہاں پر جانے کے لیے تو آپ کو این او سی ہے, لیکن وہاں سے جب لوگ آتے ہیں تو ہمارے تھانے دار جا کے وہاں سے اپنے تھانے سے بھاگ کے جا کے ایس ایس پی پشاور کو بتاتے ہیں کہ جناب وہ ادھر سے آ گئے ہیں لوگ, اور وہ چلے وہ رپورٹ وہ کر کے تو چلے گئے اور وہ ایکشن کر کے چلے گئے. وہ ایکشن کر کے سوال یہ ہے تو یہ پرویز خٹک صاحب کی, عمران خان صاحب ان چیزوں کے اوپر خیبر پختونخوا کے لوگوں نے اور خاص طور پر پشوریوں نے تو بڑی وہ تو عمران خان تو آج کل پنکچر لگانے پہ چل پڑے, وہ انہیں پنکچر کی پڑی ہوئی ہے. جو آپ کو پنکچر روز لگا شہر کے لوگ تمہیں اتنے پیار سے لے کر آئے ہیں, آپ نے ان کے پیار کا کیا یہ کہ آپ نے کہا کہ نہیں میاں والی وہ نہیں میں چھوڑوں گا. کوئی نہیں, اگلے الیکشن میں پشوریے مردان والے یہ جتنے پنکچر عمران خان کو لگائیں گے عمران خان کا بھی سوچ بھی نہیں سکتے. ہوگا سو ہوگا, لیکن یہ آپ کی اخلاقی سیاسی ذمہ داری ہے اور آپ نے خود کو گڈ گورننس کا ماڈل بنا کر پیش کرنے کا دعویٰ کیا تھا. Now if you cannot ensure law and order in بندوبستی علاقہ in پشاور, پاکستان کا قدیم ترین شہر, آپ کے پاس اتنی پولیٹیکل بیس بھی ہو, نوجوانوں کا والہانہ پیار بھی ہو, رضاکار بھی ہو, آپ ان رضاکاروں کے ذریعے نیٹو کی سپلائی روک سکتے ہیں, امریکہ کے ساتھ لگ سکتے ہیں, پولیو بھی لیکن لوکل ہم لوگ اور اس طرح اگر وہ میڈیکل کر سکتے ہیں تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے لوگوں کو کیوں یوز کرے جی. یہ پولیس کس چیز کے لیے, آپ آگے تھانے بنائیں, سرحدی چوکیاں بنائیں. وہ اب آج میں دیکھ رہا تھا مختلف ٹی وی چینلز پہ چل رہا تھا کہ وہ جو لوگ اس واقعے کے بعد جس میں یہ نو افراد نے اپنی جان دے دی, لوگوں نے کہا کہ یعنی دن کے وقت تک تو ٹھیک ہے لیکن رات کو یہاں طالبان کا راج ہوتا ہے. جو اغوا برائے تاوان کی ہے وہ اب تو اسلام آباد سے اغوا ہو رہے ہیں. خیر جی لندن, السلام علیکم. جی ہلو, السلام علیکم, میں سلمان بات کر رہا ہوں. جی 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 سلمان صاحب, پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ جب بھی ہمارے ملک میں کوئی بحران, کوئی مشکل, کوئی پریشانی ہوتی ہے تو وہ ہمارا ایک برادر اسلامی ملک مکمکہ کروانے کے لیے آ جاتا ہے. تو پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ جو طالبان کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ چل رہا ہے تو کب تک امید ہے کہ یہ مکمکہ ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا, یا ایسے چلے گا یہ سلسلہ؟ خیر جی, آپ نے سچی بات ہے سوال تو نہیں کیا, بجھارتے بجھائی ہیں. مجھے کوئی سمجھ نہیں ہے کہ کون سے برادر ملک کی بات کی ہے جو مکمکہ کرانے آ جاتا ہے.
शायद सऊदी अरब का जिक्र किया होगा। मेरा अपना ये ख्याल है कि सऊदी अरब का आजकल जो कुछ है टीटीपी वाले उन पर इतना असर नहीं। उसामा बिन लादन भी तो था ना, ब्रेक को भी चले नाजी आज होते एक वक्फे के बाद। बोलता पाकिस्तान में एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम। और नुसर साहब ये इसलिए भी अहम है कि ये देखें ये लोगों ने यानी इस इलाके के लोगों ने ये बेसिकली शाह फरमान साहब का हल्का है। वो बन्नू से है यहाँ के? नहीं नहीं, शाह फरमान साहब ये पेशावर के मजाफा से जहां ये आज ये हुआ, और ये पिछले 6-7 साल से यही लोग यानी यहाँ ना पुलिस है, SP खुशदिल खान भी यहां पर इधर ही इसी मार्के में जो है ना शहीद हुए थे। बाकी ये इन्होंने पेशावर को अगर बचाया है, मेरे एक दोस्त अभी उन्होंने कॉल करके मुझे मेरी तस्वीर की और मुझे कुछ बताया भी कि उधर आदिजई है जो दरादब खेल वाला इलाका है वहां से उन्होंने बचाया हुआ है, और खैबर के साथ साथ इन लोगों ने बचाया हुआ है। और इसी वजह से जो थोड़ा बहुत आपको अमन अमान अगर को पेशावर में अगर से लग नहीं रहा, लेकिन फिर जो कम्युनिटी लेवल से जो रेजिस्टेंस वो हो सकती है, वो चूंकि उन्होंने घरों के ऊपर जो है ना मोर्चे बनाए हुए हैं, तो लेकिन वो फिर भी आज जब उनको मौका मिलता है वो भी वार करके चले जाते हैं। लेकिन सर गुड गवर्नेंस का मकसद हरगिज ये नहीं होता। मैं आपकी उस बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि अगर मैं पाकिस्तान का शहरी हूं, मैं पाकिस्तान को की रियासत को टैक्स देता हूं या नहीं देता या इस काबिल नहीं हूं, मैंने अगर अपना शनाख्ती कार्ड बनवा लिया है, जब मैंने पासपोर्ट बना रहा हूं, मैं पास वो लाइसेंस बनाता हूं सब कुछ, तो इसका मतलब ये होता है कि मैं सरेंडर कर रहा हूं अपनी अथॉरिटी ये कि मैं गन उठा के अपना तहफ्फुज करूं। बिल्कुल सही है, मेरी बात समझ। मैं बिल्कुल इस बात पे मुत्तफिक है, इस बात पे कोई तो रियासत जब ये कहे कि चलें जी आप वो कर लीजिए जी, चलें जी ठीकरी पैरा कर लें, तो फिर रियासत जाए जहन्नुम में। फिर वो तो इसीलिए आपको याद नहीं है कराची में फिर लोगों ने अपनी गलियों पे गेट लगाना शुरू कर दिए थे और नोगो एरियाज बन गए थे, वो अभी भी इसीलिए तो फिर वो बनते हैं। अच्छा अब उसमें जब ऑपरेशंस होते हैं, तो सच्ची बात है कि जब ऑपरेशंस होते हैं तो बार बार मैं कहता था, क्योंकि एक बहुत बन जाता था टेलीविजन पे बनता है ना अमनो अमान फौरन, आजकल जैसे एक और हवाले से भी ऑपरेशन ऑपरेशन की बातें होती हैं, तो कराची में अब कजिया शुरू हो गया एक। अब उस वक्त तुम्हें याद होगा कि यह फैसला हुआ था कि एक कमेटी भी होगी कोई सिटीजन लाइव, बिल्कुल है जिसमें अगर वो इंस्टीट्यूशनलाइज हुई होती वाकईतन कोई आया फॉरम अवेलेबल होता तो वहां आज ये वाली नौबत ही ना आज थी। तो देखे ना आप MQM कहते हैं कि मेरे 45 बंदे, भाई आप ये MQM की बात नहीं है, वहां पे कोई भी पकड़ा जाए, कोई भी पकड़ा जाए अगर आप ये समझते हैं कि इसने कोई और उसके ऊपर वो प्रोटेक्शन है, वो अभी आप वो लागू हुआ नहीं लागू हुआ अभी तो है ना टेक्निकली, तो देखो ना अभी भी उसकी एक्सटेंशन की जब मंजूरी दी हुई है तो PPO तो अब स्टैंड करता है, लेकिन फिर भी लेकिन बताना लापता करना नामनासिब बात है। लेकिन हाँ अगर उनके ऊपर जरायम यकीनन सारी दुनिया मानती है, पुलिस की अपनी रिपोर्ट्स मांगते हैं, वो वसीम साहब वाली कमेटी खुद जब उनने कह दिया था कि यहां मसल्ला विंग जमातों ने बनाए और हर किसी के पास है, तो आप कम अज कम जो भी है अगर किसी पे कोई क्राइम है कोई चीज है तो कराची की बात की है, कराची से कॉल लेकिन ये आप लापता ना करें उनको। जी अस्सलाम वालेकुम, कराची से जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं ख्वाजा शाहिद कराची से बोल रहा हूँ जनाबे आली। जी ख्वाजा साहब, जनाब आज आपको मुबारकबाद दे रहा हूँ, आज 6 महीने के बाद आपसे कॉल मिली मेरी मिली है। अच्छा, ये बात है जी। और मैं ये कहना चाहता हूँ आज फजल रहमान ने खुल के बात कर दी है, ये तालिबान की जो चाबी जो है ये सिर्फ उसके पास है, GH आर्मी वाले के पास है। अच्छा जी, और इसके अलावा भी ये तालिबान भी अभी माशाल्लाह कामयाब होना चाहिए, हमारे मुल्क के लिए बहुत फायदा बन रहा है। किसको कामयाब होना चाहिए? ये मुजाकरात को कामयाब होना चाहिए, मुल्क के लिए बहुत फायदा। अच्छा चले जी, बहुत ज्यादा अल्लाह ताला करे जी, जरूर ये मुजाकरात कामयाब हो जाए। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कराची का ऑपरेशन जो है इन कजियों की नजर हो गया, उसकी क्रेडिबिलिटी न रही और ये सारी चीजें पहली करनी चाहिए थी। कल आप फरमा रहे थे वजीर आजम साहब ने हुक्म लगाया है चौधरी निसार जाएं, वो तो आराम से कल जाएंगे, कल जाएंगे सुकून से जाएंगे। वजीर आजम साहब जो हैं वो खुद टर्की चले गए हैं, साथ तो में आर्मी चीफ को भी लेकर गए हैं, DGISI भी होंगे, उनकी तरफ से भी शायद लोग बाग होंगे। इस पर वैसे एक बात का बुरा ना मानना,
मियाँ साहब का मुझे डर लग रहा है कि आइंदा किसी ये दौरे पर जाना चाहेंगे तो वहां का वजीर आजम बिलबिला उठेगा, कहेगा तोतिया मनमोतिया एसकली नाई। देखो ये गए वहां पे थाईलैंड, वहां पे हंगामे शुरू हो गए। वो पुराना उनका एक किस्सा है, देखें वहां पर एक बड़ी तारीख है। तुर्की के साथ इतनी प्यार मोहब्बत बढ़ाई हुई है और इस वक्त वहां के वजीर आजम काफी मुश्किल में। वो ये लीरा उनका दोबारा लीरो लीर हो गया है। सिर्फ ये गुज़श्ता दो दिनों में उसकी कीमत तीन चौथाई गिरी है और बहुत ज्यादा मुश्किल में है वहां का वजीर आजम। और वहां के वजीर आजम को भी वहां के बेहतर मुसलमानों ने मुसीबत में डाला हुआ है। वो जो जो जिन्होंने इनको सपोर्ट किया था, जी जी, जिन्होंने उनको सपोर्ट किया था, क्योंकि उनके बंदे घुस गए हैं वहां की पुलिस में, अदालती निजाम में, जासूसी इदारों में। तो मुझे ये खौफ है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर अल्लाह माफ करे कि कोई अगले एक दो दो महीनों के अंदर तुर्की के वजीर आजम साहब की भी छुट्टी हो जाए तो उसके बाद मेरे वजीर आजम ने कहीं जाना चाहता हूँ वहां का वजीर आजम कहा था नहीं, 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 नहीं तो ऐसा ना करें। आप अपना सब कदम हमारे मुल्क में ना ही डाले, आपको दूर से सलाम। आपको नहीं, वैसे ये वो थाई प्राइम मिनिस्टर भी पाकिस्तान का दौरा कर चुकी हैं और दूसरे ये गए तो फिर वो मामला गड़बड़। अच्छा चले, अपना कराची से एक और का। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम अस्सलाम। उस्मान है जी, मैं कराची से बोल रहा हूँ। उस्मान अदनान जी। अदनान जी जी, मैं आपसे सर ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ आप दोनों से कि आप लोग माशाल्लाह मतलब समझते हैं सारी बात। मुझे एक बात बताए सर जी कि जो अभी हमारे सामने रोल धमाके के वाक्य, एक तरफ सामने मुजाकरात भी चल रहे हैं, तो आज जिस तरह के फजल रहमान साहब ने भी कह दिया कि जी GHQ के हाथ में चाबी है, तो मुझे एक बात बताएं सर जी कि हमारे जैसे गरीब मुल्क के जितने रिसोर्सेज हम फौज पे लगाते हैं, एंड ऑफ द डे मतलब क्या फायदा मिल रहा है कि अगर हम एक इस किस्म की चीज को भी नहीं कंट्रोल कर सकते कि फ्रंट लाइनों पे हमने अपने सिविलियंस को लगाया हुआ है, फिर उनकी भी हमने इमदाद छोड़ दी हुई है। मतलब मैं आपको एक बात बड़ी सीरियस बता रहा हूँ कि पहली दफा मैं जब से मतलब पाकिस्तान में हूँ और मैं जो देख रहा हूँ, मैंने पहली दफा ये महसूस किया कि पाकिस्तान का जो आम बंदा है ना, जिससे बंदा रोज मिलता है बात करता है, वो ये कहने हैं, मतलब फर्स्ट टाइम ये मैंने अपनी जिंदगी में देखा है कि वो अब पाकिस्तानी मिलिट्री को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया उन्होंने कि यार इनका क्या रोल है। खैर ऐसी बात नहीं है जी, पहली मरतबा तो नहीं हुआ। बदकिस्मती से जब भी फौजी हुकूमतें आई हैं उन्होंने पूरे अख्तियारात और इख्तदार अपने पास रखा और अपनी मर्जी की पॉलिसी चलाई, तो यकीनी तौर पर लोगों ने ये शिकवे शिकायत भी किए। जब भी कभी फौज अपने आप को इससे दूर रखती है, लोग कहते हैं अभी ठीक है फाइन, लेकिन देखो ना लोग वो देखे, ये दूसरे कॉलर ने भी, क्योंकि मौलाना फजल रहमान के हवाले से कहा, वो क्या वाकई का है मौलाना ने, उनके कहने का ये मकसद था कि असल ताकत जो है जो जो मुजाकरात कर रहे हैं वो ये कहते हैं ये जो पार्टियां मुजाकरात हैं इनकी, वो आपको पता है वो दुआएं देते हैं कि अल्लाह करे ये कामयाब हो, लेकिन वो ये कहते हैं कि जिस वक्त तालिबान और इधर जो GHQ जिनके पास ताकत है और जो कर सकते हैं या जिनका कोई स्टेक है, तो जब तक ये ना कुंजी का मतलब है कि अगर कामयाबी की कुंजी इनके पास अगर ये चाहेंगे तो मामला ये नहीं है कि तालिबान को इन्होंने, देखो ना अब मैं क्या, अब आप बिल्कुल एक दूसरी से हम दूसरी बात पे चले जाएंगे। मैं मसल से ये बात ये है कि कोई का मैदान ढूंढे, वहां पर पाकिस्तान की फौज चली जाए और तालिबान चले जाए, इस तरह तो नहीं होगा ना। अब कुंजी से इनकी क्या मुराद है, बात खुल के जब करनी है मौलाना साहब तो अब खुदा के लिए करना शुरू हो जाएं। बात बड़ी सीधी सादी, अब जैसे मुझे बहुत सारे लोगों ने जिम्मेदारी के साथ बताया है कि ये जो हमारी मुजाकराती टीम थी जो गई थी वहां पे, उनको बुनियादी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी गारंटी जो है वो दी हकानी साहब ने, ठीक। अच्छा अब हकानी ग्रुप को हमने रखा हुआ है कि कल जब अमेरिका वहां से जलीलो खार होके जाएगा तो जाहिर है हम ये तो नहीं चाहते वहां इंडियन एजेंट्स आ जाए, हम चाहते हैं वहां गुड तालिबान आ जाए। अब गुड तालिबान को अगर बचा के रखना है, लेकिन साथ ही साथ मैं आज सारा दिन इंतजार करता रहा भाई, ये बहुत संगीन इल्जाम है वो 40% कि आपकी पाकिस्तान की फौज का सरबरा जिसको बहुत बड़ा अजीम जनरल समझते हुए 3 साल यूं प्लेट में दिए गए, 6 साल नहीं 3 साल मजीद एक्सटेंशन जब दी गई, वो दावा कर रहे हैं इमरान खान साहब कि वो कहते हैं कि देखिए ऑपरेशन का भाई, अगर आप अपने मुल्क के अंदर
एक रैग टैग बनी हुई एक आर्मी यानी तालिबान को कंट्रोल करने के चांसेस 40% कह रहे हो, तो अल्लाह मेरे मुंह में खाक, मुझसे 5 गुना बड़े यानी मुल्क के बारे में तुम्हारे क्या यानी परसेंटेज है? ब्रेक ना उसका, ये तो आज बात करते हैं सारे लोग, कोई अभी नहीं, शायद एक दो दिन में ये पता नहीं क्यों बात करें। हाजिर नाज़िर होते हैं एक वक्फे के बाद। बोलता पाकिस्तान में एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम जी। पिशावर से कॉल है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा? हेलो जी सर, मैं पिशावर से नहीं सर, मैं फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ, मदर हुसैन मेरा नाम है जी। जी मदर साहब, सर बात यह है कि आज माशुखेल में 9 अफराद कत्ल हुए, एक ही खानदान के और तमाम उसमें मर्द हजरात शामिल थे, और बदकिस्मती से कि केपीसी की हुकूमत की तरफ से एक भी किसी शख्स का मजमती बयान नहीं आया। ठीक है, अगर उसकी जगह पर कराची में इमरान खान की एक अगला कारकुन कत्ल हो जाती है तो उस पर सारा पाकिस्तान सर पर उठा लिया जाता है। नहीं जी, मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ, मजम्मती बयान तो यकीनन आ गया, लेकिन मजम्मती बयान की तो मैं समझता हूँ कि मजम्मती बयान कोई ना, हम ये समझते हैं मैं और मुश्ताक इस बारे में हमारे, जब आप हुकूमत में हैं तो ये तो मुझे तो इतना बुरा लगता है कि जब कोई आके जी वजीर, सबसे पहले वजीर आजम टिकट चलना, वजीर आजम कही जी फलां जो है ना मजम्मत का इजहार पेशावर वाक्य पर, भाई आपको, आप कोई एनजीओ नहीं चला रहे, कि आपके पास कोई वसाइल नहीं है, आपके पास कोई सरकार नहीं है, आपके पास कोई ट्रूपर्स नहीं है, कोई आपके पास कोई ट्रूप्स नहीं है, कोई आपके पास कोई फौज नहीं है, पुलिस नहीं है, रेंजर्स नहीं है, कोई चीज है, आप फौरी तौर पे आप उन लोगों को पकड़ने के लिए, उन्हें कैफर किरदार तक पहुंचाने के लिए, उनको निश्चित नाबूद करने के लिए आप बैठे, आपको होना चाहिए कि हाँ जी मजम्मती नहीं, ये कह के हमने चैलेंज कबूल किया, इसको ये वाकया कर गए, हम उन तमाम कातलों को दहशतगर्दों को कबूल नहीं किया ना, तो इजारे मजम्मत तो भाई हमने अब हमने कर दिया, अब होना ही चाहिए था, कमेटी वहां से आ गई ना, अब पीआरओज लगे हुए हैं, हर वजीर का, हर पार्टी का, इजारे मजम्मत अल्ताफ भाई का, मुल्ला फजल का, क्या हमारे पैनल वाले हमें खुद भी नहीं बात करने दे रहे जी। अस्सलाम वालेकुम भैया, हुक्म करें, कौन साहब? वालेकुम सलाम जी। जी जी भाई, कौन सा बात कर रहे हैं? यूसुफ शाह बात कर रहा हूँ जी, रावलपिंडी से जी। शाह साहब जी, अभी जो कल खान साहब ने हामिद मीर को इंटरव्यू करते हुए कहा कि जी आर्मी चीफ ने नवाज शरीफ साहब को कहा कि 40% हमारी कामयाबी का इम्कान है जी, तो नुसरत भाई एक सीक्रेट रास को अफशर करना जो मीडिया पे, इस पे क्या लग सकता है इनके तहत? नहीं, कोई नहीं लग सकता जी, अगर ये बात उन्होंने कही है, मेरी तो फिक्र और है कि अगर एक थिंकिंग जर्नल जो नेपोलियन के पाए के अपने आप को अपनी आनियों जानियों से लगते थे, अगर वो ये कहते हैं कि उन्हें अपने मुल्क के अंदर कोई ऑपरेशन करने के चांसेस 40% देखते हैं, तो हमारा हमसे 5 गुना बड़ा मुल्क जो एटमी ताकत भी होती है उसके साथ जंग के बारे में क्या सोचते होंगे? बात सवाल तो ये पैदा होता है मुझे इस बात पे, बल्कि मुझे हैरत है, मुझे हैरत है इस वक्त तक जनरल कियानी ने इसके जवाब की तर्दीद करने की, नहीं चले जनरल कियानी नहीं, आईएसपीआर देखे उन्होंने, आईएसपीआर जनरल भाई उन्होंने, आईएसपीआर ने तो नहीं कहा ना यार, ने जिस वक्त ये बात कही थी वो कोई रिटायर नहीं हो चुके थे उस वक्त, कही थी ना नवाज शरीफ साहब कर दे, उनकी वजारत इत्तलात कर दे कि जी ऐसे गलत कह रहे हैं, वजीर आजम ने ऐसी कोई बात नहीं कही थी, कोई तो कहे यार, यानी ये लोग इतने बेहिस हो चुके हैं हमारी अशराफिया, मैं तुम्हारे आगे रो रहा हूं, कल से सियासी हो, अस्करी की आदत हो, हर तरह की, इन्हें एहसास ही नहीं होता कि मीडिया के जरिए जो मैसेज दिया जा रहा है और उसका जवाब सारे बैठ के आजकल पता है क्या सोच रहे हैं, जैसे कल तुम भी तकरीर कर रहे हो कि मीडिया क्या कर रहा है, मीडिया क्या कर रहा है, भाई मीडिया तो यही करेगा ना, नहीं नहीं मैं मेरा मैं माजरत के साथ मैं आज भी ये कहता हूं कि भले मुज़ाकरात करें नुसर साहब, मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए पाकिस्तान के सारे लोगों की, लेकिन मुज़ाकरात की बुनियाद और उसकी किस किस बुनियाद के ऊपर कामयाब होने चाहिए? क्या आप बिल्कुल सारा कुछ दे के अपने हाथ कटवा के मुज़ाकरात कामयाब, तो ऐसे मुज़ाकरात कामयाब हमें नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अमन हो जाए तो चलें, इसमें भी कोई मज़ाका नहीं है, लेकिन आप मुज़ाकरात के नाम पर आप यहां टीवी चैनल्स के इस तरह बिठा के 1+3
और आप फिर ये तबलीग करें उनको कि नहीं जी वो तो एक बड़े जो है ना एक ऐसे निजाम के लिए कर रहे हैं, वो तो मुशाहिदुल्लाह जैसा शहर। आप अंदाज लगाएं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का सेक्रेटरी इतलात रह चुका है, सेनेटर है, वो ये कहते हैं जी देखें तालिबान तो पाकिस्तान के आइन को मानते हैं, उन्होंने तो अपनी तहरीक का नाम ही तहरीक तालिबान पाकिस्तान रखा है। तो मुशाहिदुल्लाह साहब खुदा का नाम लें, आप किसको ये यानी इस कौम को क्या मैसेज देना चाहते हैं? वो मुशाहिदुल्लाह साहब अगर आपको वजारत नहीं मिली तो खुदा के लिए इस मुल्क के लिए आप डेस्परेट ना हो, डीमोरलाइज ना करें इसको। तहरीक तालिबान पाकिस्तान सही कहते हैं, वो पाकिस्तान को तोड़ना तो नहीं चाहते, बल्कि उनका तो अब एक है एहरारुल हिंद, उन्हें पहले पाकिस्तान में खिलाफत इस्लाम लाने के बाद आगे जाना है। लाल मस्जिद पे झंडा लहराना है, लाल किले पे तो है, लाल किले पे जाना है। ठीक है ना बात, उस हवाले से तो वो सही कहते हैं, अब उनके नुक्ता नजर से सही है, इसीलिए उन्होंने इनके साथ मुजाकरात कर रहे हैं क्योंकि ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान है। इसके मुकाबले में दूसरी जो हमारे यहां जो गड़बड़ है, अनारकी फैली हुई है, वो बलोचिस्तान में है। बलोचिस्तान में लोगों के लिए कमेटी इसलिए नहीं बनाई गई कि वो अलहदगी चाहते हैं, इसलिए उनके लिए स्ट्रेटजी है कि बलोच जो भी मिले उसको पकड़ो, किल एंड डम, बस शुदा लाश। क्यों? अगर बलोच ये कहे कि जी वो तहरीक फरोग बलोचिस्तान मतलब वो ये कहे कि जी हमारे तो वो मीर वो जो है चाकर खान वो जो उनके तो वो तो दफन है यहाँ पे, वो ये कहे कि हम बलोचिस्तान की सरहद बढ़ा के साहिवाल तक ले जाना चाहते हैं, तो शायद यानी मुशाहिदुल्लाह साहब के दिल में रहम आए, कोई कमेटी बनवा ले। इस वाक्य को छोड़ो, आप कराची में देख लें दोस्तों साहब, कराची में अनरेस्ट होता है तो आप वहां भागे भागे जाते हैं। आपके समय चौधरी निसार अली खान साहब वज़ीरे दाखला कल जा रहे हैं, आप वहां पे जाके कहते हैं अच्छा जी ऑपरेशन में मैं एमक्यूएम का यानी स्टेक होल्डर उनका गवर्नर है, आप पहले गवर्नर साहब से कहते हैं वो उन्होंने उनके दफ्तर जाएंगे, वो जाएंगे जाके जरूर बात करें एमक्यूएम को, लेकिन अगर आप मुज़ाकरात की आड़ में अगर आप वहां पर जो तकरीबी सरगर्मियां करने वाले लोग हैं उनको उनका उनका तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते हैं तो वज़ीर दाखला साहब ना जाइए मुश्ताक मेरे प्यारे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये कामयाब हो तो वो सबसे पहले जाके आप वहां पर सुने, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की भी सुने, पुलिस वालों की भी सुने। अब वो तो देखे ना, अब एमकेएम वाले वो सीधा अपना शायद अयाज साहब पे वो कहते हैं FIR दर्ज करें। अब जिस पुलिस अगर फर्ज या किसी दबाव में आके वो तो अदालत से भी गए, अदालत से ही चले यानी खुदा न खास्ता वहां से भी फैसला आ सकता है कि करें। मुझे ये बताएं कि जिस पुलिस चीफ के ऊपर FIR दर्ज हो जाए तो फिर नीचे जो फुट सोल्जर है, जो ASI है, जो सब इंस्पेक्टर है, जो DSP है, उनको क्या जरूरत है फिर जाकर टारगेट वो ऑपरेशन करें जाके लोगों को पकड़े। जब आप ऑपरेशन लॉन्च करने लगे थे मुश्ताक साहब, जो बार बार रोजाना चौधरी निसार अली खान तकरीर करके कहते रहे पहला मरहला दूसरा मरहला प्रिसाइज इंफॉर्मेशन, डूएबल इंफॉर्मेशन, एक्शनेबल इंटेलिजेंस, और जब आखिरी मरहला आएगा तो चीखें निकल जाएंगी। आखिरी मरहले पे बजाय चीखें निकलने का महसूस हो रहा है, ऑपरेशन ही खत्म होने वाला है, हंसी निकल रही है। ठीक है, चीखें क्या निकल रही है? आपने जो SOPs बनाए थे कि आप उनको प्रॉपरली फॉलो करते रहे, क्या उन पे अमल हुआ? वजीर आजम साहब गए थे एक मरतबा, बहुत ज्यादा जहाजबाज भर के सहाफी हजरात भी थे। हमारा भी मसला ये है मुश्ताक, जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ, देखो मेरे प्यारे भाई, मुझे एक मीडिया के तौर पर कुछ चीजों का तो एक मैसेज आ गया ना, जैसे मैं दयानतदारी से समझता हूं कि ये कोई मजाक की बात नहीं है कि इमरान खान साहब के पाए का लीडर खुल के ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव की मौजूदगी में पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उन्हें कह रहा है कि 40% चांसेस है, एंड ही केप्ट ऑन रिपीटिंग इट। अच्छा चलें जी, क्या इसका जवाब मुझे जरूरी नहीं है? आपको बिल्कुल जरूरी है, लेकिन मैं एक और चीज है, देखें अब इस मुल्क में एक और तमाशे, मतलब तमाशे पे तमाशे और कोई देखने वाला और सोचने वाला नहीं है कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, चलें उनसे जो डिसएग्री करते हैं या उनकी यानी उस चेन ऑफ कमांड को नहीं मानते, लेकिन उनका एजेंडा भी उनका वही है। बाद में मानना, कराची से कॉल ले लो ना, मैं एक अहम बात कर रहा हूं, ये सुन के फिर बात कर लेना, मतलब ये कि को रुकावट। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ये गुजारिश ये करनी थी जी के ये जो यहाँ पर कौन सा बात कर रहे हैं? मेरा नाम है ज़हीन अहमद नकवी। अच्छा माशाल्लाह इंटेलिजेंट ज़हीन साहब। जी हाँ जी हाँ जी, मैं गुजारिश ये कर रहा था कि भाई ये कराची में इतने जुल्म हो रहे हैं, पहली क्या मावराए अदालत कत्ल हो रहे हैं, और एक दूल्हा को अगवा करके उसकी शादी हो रही थी,
और वहां से ले गए, उसके जिस्म में पेट्रोल भरा गया और उसके अंदरूनी आधा पर भी दाग लगाए गए। आखिर ये कौन सी इंसानियत है? नहीं, ये तो काबिले मजम्मत है ना जी, ये तो सारी चीजें किसी ने, आपके मीडिया ने, सियासी लीडरों ने किसी ने मजम्मत की? क्या मजम्मत चली, दो तीन दिनों से यही काम चल रहा है जहीन भाई। आप मेरा टीवी नहीं देख रहे या आप मीडिया नहीं देख रहे? नहीं, इसका बहुत ज्यादा नोटिस लिया, इतना नोटिस लिया नहीं जहीन भाई। यहाँ पे आप थोड़ी सी आप करें, ये आपने गैर मुनसिफाना बात की है ना। अल्लाह का खौफ तो होना चाहिए, यानी ये हमारा मुल्क जो है आधा इसी वजह से जा चुका है जी। आधा मुल्क जा चुका है और अब ये बलोचिस्तान भी, आप ही अभी खुद ही फरमा रहे हैं कि आखिर इसका क्या ठिकाना लगेगा, आप मुझे बताएं। नहीं नहीं, आपकी बात ठीक है, दुरुस्त है, लेकिन सिर्फ आपका एक गिला उस पे आप हाँ। अच्छा, मैं जोगदा, देखिये हम मुजाकरात कर रहे हैं, मुजाकरात के लिए एक तालिबान ने कमेटी बना दी, एक गवर्नमेंट ने बना दी, वो आपस में उन्होंने उनकी इब्तदाई मालूमात का तबादला हुआ, वो फिर यहां से एक कमेटी वहां पर भी गई, उन्हें बराह तालिबान से, अब वो ये कह रहे हैं कि अच्छा रुस्तम शाह साहब कि जी तालिबान खुद बात करना चाहते हैं लेकिन उनको जान का खतरा है, अगर आप तो उनकी यानी जान व जान का तहफ़ किया जाए तो तालिबान खुद आके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं। चलें, ये बात तो ठीक है, लेकिन मैं यो कहता हूं कि जो दूसरे तमाशे, अब यहां तक तो बात ठीक है, अच्छी बात है, यहां तक तो मेरे पास हल है, उससे आगे आज मौलाना समीउल हक साहब, अब उन्होंने 15 फरवरी को मैं आपको यही अर्ज कर रहा था, कल कमेटी आई है ना, आज बैठते वो कमेटी, वो उन्होंने उल्माए पाकिस्तान के बाकी जो उल्माए मुशायख हैं उनके साथ बैठ के तो उनका इजलास बुला लिया 15 फरवरी को। भाई आप किसी कमी पाकिस्तानी का भी बुला लो ना, मौलाना समीउल हक ने अब अपनी दास्तान नहीं, 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 है ना, आप समझ लीजिए ना, समझ, इसलिए उन्होंने अपनी खोल ली ना, उन्होंने कहे कि हम देखें ये खाली नहीं है तालिबान, पाकिस्तान के ये जय्यदुल्मा जो है ना ये भी तालिबान के, ये भी ये स्टेक होल्डर हैं इस मुल्क के अंदर और ये हमारे साथ खड़े हैं, और उनसे बाकायदा मुज़ाकरात के लिए उन्होंने मसलन उन्होंने जय्यद किस्म के उलमा मुशायख का इजलास, वैसे जब इनसे बात करेंगे तो कहेंगे इस्लाम में बाकायदा का कोई तसव्वुर नहीं, तो ये क्या है, ये क्यों मुज़ाकरात में, ये उनसे उलमा मुशायख के साथ नहीं, यही तो तुम्हें आप तालिबान के साथ करें जिनके तो मुश्ताक मेरे प्यारे भाई, तालिबान के पास कमेटी गई, उनका पैगाम इब्तदाई आ गया ना प्रोफेसर इब्राहिम साहब के जरिए, आ गया या नहीं आ गया? अब भैया होना तो ये चाहिए था, कल इन्होंने कन्वे भी कर दिया हुकूमत को, या तो हमें बाकायदा एक प्रेस रिलीज के जरिए, हमें बार बार कहा जाता था कि हर चीज साफ शफाफ होगी, ये कहा जाता ठीक कि जी हमें ये ना बताते उन्होंने क्या भेजा है, आप सिर्फ ये बता दीजिए आ गया है, अब हुकूमत गौर खोज करके तो फला देने इजलास होता। ये नहीं, आप देखें, आप उलमाए मुशायख के साथ अब जो उन्होंने प्रेस रिलीज जारी की है वो ये कह रहे हैं कि लाहौर में ये इजलास होगा और इसमें इजलास में मुज़ाकराती कमेटी की जानिब से तालिबान और हुकूमती मुतालबात पेश किए जाएंगे और इसके अलावा उलमाए दीन से मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए तजावीज भी ली जाएंगी। हाँ ना, आप इनको, इनका क्या ताल्लुक इस बात से, आप गाइड करेंगे ना? नहीं, तालिबान देखे मुज़ाकरात तालिबान से, एक लोगों की दुआएं नहीं चाहिए और दुआएं सारा पाकिस्तान का, ये इतनी ज्यादा दुआएं नुसर साहब कि ये समेट नहीं सकेंगे, ये कहां सारे के सारे स्पेशल ब्रांचिये वहां बैठ जाएंगे, यार छोड़ो मेरी जबान खुलवा रहे हो, औकाफ वाले और स्पेशल ब्रांच वाले बदीन से कॉल है अस्सलाम वालेकुम, और रौनक लग जाएगी मौलाना समीउल हक की, वो उलमाए मशायख के वो लीडर भी हो जाएंगे, अपना भी तो कारोबार करना होता है ना जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कौन सा बात कर रहे हैं? मोहम्मद असलम बोल रहा हूँ जनाब जी। असलम साहब, असलम साहब, ये आप यार दे ब्रदर जी, आप जो इतना बहस कर रहे हैं हाँ, इसका कोई कुछ निकलेगा अभी या सिर्फ बातें ही हैं? बातें ही बातें ही, हम तो बातें ही निकाल सकते हैं, बुला रहे हैं जी हम लोग। बहरहाल हमारा ये फर्ज है सही कि हम सवाल करते रहे, मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, बात ये है कि जैसे मुश्ताक बिन हाशिम ने कहा है, बात काट रहा हूँ जनाब, आपने पहले बलोचिस्तान की आजादी की बात की, मैंने आजादी की नहीं बात की, मैंने कहा आजादी की बात हुई, ये तो फिर आजादी 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 चलेगी ना जनाब आला। अरे मेरे भाई, मैं ये नहीं कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि वहाँ इसलिए बात नहीं हो रही और तहरीके तालिबान ने भाई 62 साल गुजरे पाकिस्तान को, तहरीके तालिबान ने पाकिस्तान तो पाकिस्तान को मजीद फैलाना चाहती है, मैं तो ये अर्ज कर रहा था, इन्हें समझा रहा था, वो शायद मुझसे वो मैं समझा ना पाया। आप अपने हमनुमा तलाश कर रहे हैं इधर मुज़ाकरात की आड़, तो यही तो कह रहा हूँ ना, और क्या आप ये उनसे ये करें, चले अल्लाह करे कि उनकी, आप कहते हैं कि दुआएं लेंगे तो दुआएं, बहुत वो कह रहे हैं कि तजावीज लेंगे,
मुजाकरात की कामयाबी की आप कहते हैं कि उलमा मशाइख से दुआएं लेंगे, भाई वो वहां उनको हमने मतलब आप उनको उनके साथ बैठे जिनके साथ आपको बैठने का मैंडेट दिया गया है। तालिबान ने ये तो नहीं कहा आपको कि जी आप उलमा मशाइख से पाकिस्तान का इजलास बुलाएं और वहां से उनसे भी मैंडेट ले लें। काउंसिल भी है क्या, उनकी जमीयत उलमा इस्लाम सीन भी है। अब उनको एक मकाम मिल रहा है जिसमें वो तमाम उलमा और मशाइख के एक नुमाइंदा बनने की, भाई नुमाइंदे तालिबान के नुमाइंदे नुसर साहब, वो उलमा मशाइख के नुमाइंदा नहीं है, वो तालिबान के जाएंगे ना क्या मतलब ना, जब वो जाएंगे वहां पे कुछ को खुद फोन करेंगे, कुछ को आईबी वाले कर लेंगे, कुछ को स्पेशल ब्रांच वाले कर लेंगे, बाकी औकाफ की मसाजिद है अच्छी खासी रौनक लग जाएगी। कोयटा से कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम। सलाम अलैक सर। जी वालेकुम अस्सलाम। दो सवाल दर्ज कर रहा हूँ कोयटा से। जी दो सवाल साहब। सर ऐसे है कि आज मौलाना साहब एक चैनल पे इंटरव्यू चल रहा था, उनका ये कहना था कि ये सारे ताने बाने जीएचक्यू के साथ हैं, तालिबान की जो मुजाकरात हैं, तो 2008 के इलेक्शन मुझे याद आ रहा है, उस जमाने में बायकॉट की बात चली थी कि रियासत के बाद कही जाए कि हमारा साथ क्या होना है, ये जो हमारा बेल्ट है पश्तून बेल्ट, कम अज कम ये बात उस वक्त रखी जा सकती थी या बास लोगों ने रखी भी थी कि जी हमारे साथ एक दो टोक बात कर ले, आपने हमारा क्या करना है, ठीक उस वक्त ये मसला हल हो जाना था, ठीक। लेकिन मौलाना साहब ने उस वक्त थोड़ी सी ईमान जयीफी की और उस बायकॉट से बाहर आए बशमूल अस्पंजिया खान के। आज जो हजारों लोग शहीद हुए हैं ये सब का कत्ल उनके सर जाता है। चले जी ठीक है, जो ये कह रहे हैं दूसरी बात ये जी, अमन कमेटी जो बनाई गई है तो ये भी भाई को भाई से लड़ाने के लिए जो अमन लश्कर था, आज उसका साख्ताना हम देख रहे हैं, सही पूरे पश्तूनख्वा वतन में भाई भाई को मार रहे इस अमन लश्कर की वजह से। बिल्कुल ठीक है जी। देखिए जहां तक आपकी दूसरी बात है, मुश्ताक साहब ने एट द आउटसेट ये कहा था कि कोई तुक ही नहीं बनता, और इनकी बात से फुल्ली एग्री करते हुए मैंने कहा कि ये तो वो तरीका था जो कि बरतानवी साम्राज्य ने, क्योंकि वो थक गया था ना, आते आते देखो ना वो वहां से चले थे मद्रास से, उन्होंने कहा यार चलो छोड़ो अब आगे क्या जाना, ठीक है ना अब ये बहुत हो गई तो चलो यार इसको मैनेज करते हैं, इसको उन्होंने इसीलिए उन्होंने फ्रंटियर कहा, यानी जो यहां पे भी जो इलाका था उसका नाम ही फ्रंटियर रखा, यू नो। अच्छा कुछ ये कुछ रियासतें चलो जी आजाद वजाद हो जाए, उन्होंने कहा यार अब थक, एक आ जाती ना फिटीक आ जाती है इंपीरियल स्ट्रेच, ये भी एक अंग्रेजी का लफ्ज़ है, यू नो। मैं जो तुमसे बात असल करना चाह रहा हूं मुश्ताक, कि वही जो तुम्हारे वाली बात को मैं कह रहा हूं, जो असल तुम नुक्ते पे नहीं आ रहे कि भाई अब तो होना ये चाहिए कि दिन रात ये आपस में बैठे। अब उसमें वजीर आजम का तो अब डिले क्यों हो रहा है, भला डिले ये है कि मैं तुम्हें लिख कर कहता हूं मुझे वो क्या लिखेंगे जवाब में, वहां उन्होंने कहा है कि जी कमेटी की मुलाकात करवाए जिसमें वजीर आजम बैठे हों। अब उसी में इसीलिए ये मौलाना फजलुर रहमान का ये चौथा टेलीफोन है और ये मुख्तलिफ शहरों से आ रहे हैं, हवाला दिया जा रहा है मौलाना फजलुर रहमान के इंटरव्यू का कि असल कुलीद असल कुंजी फौज के पास है, यही पैगाम वो लेकर आए हैं प्रोफेसर इब्राहिम साहब। मुतालिबा ये है कि वजीर आजम पाकिस्तान मुंतखब वजीर आजम अपने दाएं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को लेकर बैठे, बाएं बैठे DGISI को, और फिर तीनों से सवाल करें मौलवी अजीज साहब इकट्ठे होते हैं कि नहीं, ये है मसला। अच्छा मुझे इसलिए जो मौलाना समीर लाख साहब जो करने जा रहे हैं, तजावीज के अलावा समीर लाख साहब ने कहा कि मैं 15 फरवरी की रौनक लगाऊं, मुझे तो ये खदशा पैदा हो गया नुसर साहब, बल्कि खदशा भी और खतरा भी, कहीं ये ना कहें उस 15 फरवरी के इजलास में कि अच्छा हमारे जरा पीछे से गाइडलाइन तो आ गई है, वो कहें जी अच्छा अमीर उल मोमिनीन तो मुल्ला उमर साहब है, वो अफगानिस्तान में तालिबान के अमीर, लेकिन वो अमीरुल मोमिनीन ने पाकिस्तान में अपना मुल्ला फजलुल्लाह साहब पाकिस्तान के खलीफा, तो ये बैत न पन्ना। अच्छा पहले मुझे ये बताओ ये अमीरुल मोमिनीन और खलीफा में क्या फर्क होता है? मेरे ख्याल में खलीफा ये तो खैर खिलाफत तो एक पूरा एक सिस्टम है, पता नहीं उनका क्या इससे मकसद है, लेकिन बहरहाल खलीफा तो समझे क्या हो, मैं ये समझ रहा हूँ अमीरुल मोमिनीन के जी पूरी उम्मतुल मुस्लिमा के, मिसाल के तौर पर मुल्ला उमर जो है वो अगर सऊदी किंग को ऑर्डर करे तो उस पर ओबे करना, अगर वहां पर जो उनके फॉलोअर है अगर जो फॉलोअर तो वो क्या यानी मोमिनीन में शुमार नहीं होता ना, वहां पर भी ये
अब मैं ये अमीरुल मोमिनीन जब आपने कह दिया तो जितने मोमिनीन जो उनकी उनको अमीरुल मोमिनीन मानने वाले हैं वो पूरी दुनिया में जहां कहीं बात तो नहीं होता। ठीक, देखो अगर आप अमीरुल मोमिनीन को अमीर नहीं मानते हो, अमीरुल मोमिनीन नहीं मानते हो, तो तुम खुरूज कर रहे हो, तो तुम वाजिबुल कत्ल हो, तुम फसाद फैला रहे हो। मुझे मुझे इसका अंदाजा नहीं है, लेकिन मैं बात तो सामने आ गई है ना, इतना ये तो बड़ी बेसिक सी बात नहीं है। असल हक इस मुल्क में, फिर अगर आपने इस मुज़ाकरात में ये चीज भी शामिल होगी जो कि तालिबान 15 फरवरी को अगर वो भी कहें कि हाँ हम सारे कहते हैं, तो मौलाना समीउल्लाह कहें कि अब तो उलमा और मशायख ने भी कह दिया हाँ कि मुल्ला उमर, हालांकि वैसे इस मामले में सलाम तो पेश करना चाहिए, फिर इसमें तो बाजी ले गया शेख रशीद, वो क्या तो कलमाए हक तो उसने कहा अच्छा, था वो जो अमीर कि मैं दरखास्त करता हूँ मुल्ला उमर अमीरुल मोमिनीन से कि इमरान खान को वहां आने की इजाजत दें, टांग से वज़ीरिस्तान, बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन से चाहते हैं इजाजत, जाने से पहले हमारा ईमेल एड्रेस boltapakistan@tod.tv मुझसे जावेद मुश्ताक मीनार की जाने से। यकुम जनवरी से इस्तेमाल न की गई मोबिलिंग सिम वापस लगाएं और ला तादाद मोबिलिंग मिनट्स, एसएमएस और एमबी